अभी अभी मुझे पसरूर से ये बेटी की कॉल आई है और इसकी भैंस का जिसको खांसी, और मुझे तो पता नहीं था पसरूर, वो मैंने वीडियो बना दी। अभी ये चूंकि मैंने सुनी है कि ये बेटी क्या कहती है, और इसलिए हाला मैं बंद करने लगा था ये इन जो वीडियोस का सिलसिला और रेस्ट करने लगा था, लेकिन ये बेटी का मुझे सुन के मैंने सोचा कि नहीं यार, अपनी अपना आराम वो ठीक नहीं है, तो मैं अभी आपसे भी शेयर कर लेता हूँ और इस बेटी को भी डायरेक्ट मैं अभी बता भी दूंगा कि क्या उसने करना है। क्या कहती जी हैं? डॉक्टर साहब, मैं ना सीरामली से बोल रही हूँ, पसरूर रोड से। पसरू रोड और से। मैंने बड़े शौक से भैंस ली है, अभी तकरीबन तो 1.5 महीना ही हुआ ली है। तो घर लेके अल्लाह आई हूँ अकबर, तो भैंस को सूतक लग गई, सोतक सूत हो की हवा लग गई, उसकी गया, वजह से दूध उसको का बुखार बुखार। हो गया। फिर मैंने ड्रिपें वगैरह लगवाई, डॉक्टर से हाँ उसने इंजेक्शन लगाए 5 ग्राम के, और वो जो हाँ एक और साथ लगाए, तो उससे फॉस्फाम। चलो ठीक हो गई। लेकिन उस वक्त की इसको खांसी नहीं जाती और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। माशाल्लाह बड़ी भैंस है, सियालकोटी भैंस है, और कट्टा दिया है उसने, अच्छा कट्टा भी ठीक है। तो अभी ना मैंने 4 दिन पहले ना इसको ना वो दी है, क्या नाम है, जो पेट में कीड़े वगैरह हाँ होते हैं ना, उसकी दवाई दी है, हाँ 300 रुपए की लेके आई थी स्टोर से, ओहो अच्छा, और वो मैंने चोकर में मिला के इसको दी है। चौकर में मिला के, तो उस ओए वक्त होए। की है ज्यादा ही खांसी कर रही है। तकरीबन सुबह सुबह जब बाहर निकालती हूँ कमरे से, चारा डालती हूँ ना, जब तक बैठी रहती है तो गाली करती रहती है तो ठीक रहती है, तो हाँ, जब बाहर निकालती हूँ तो शुक्र चारा है जो खाने गाली लगती है करती तो है। खांसने लग जाती है, ओहो तो फिर चारा भी कम खाती है। तो दूध में भी थोड़ा कम हो गई है, चले दूध में तो हो जाएगी। तो ये बस यही मसला, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, कसम से बहुत परेशान हूँ। हाय हाय, मेरा डॉक्टर साहब बेटा, ये जो इंजेक्शन है ये किसी भी स्टोर से मिल जाए मुझे, हाय तो पहले खांसी वाले लगाने हैं 5 टब, या और उसके बाद भूख वाले लगाने हैं। तो भूख वाले कितने दिन लगाने हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा बेटा फिक्र नहीं करना, अल्लाह फजल करेगा। ये अच्छा हो गया कि आपने मुझे कॉल कर ली, आपको पता चल गया, ये वॉइस मैसेज किया तो आपने कहीं से सुना होगा कि ये करना है। ये मेरा बेटा कोई मसला नहीं, अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह के हाथ, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। वो बीमारियां भी वो देते हैं, अल्लाह ताला देता है, और शफा भी अल्लाह ताला देता है। और इसके लिए मेरा बेटा जो है ना, पहले आपने, ये पहले दूसरे वाली बात नहीं है, डे वन पहले दिन ही आपने प्रोजेस्ट्रा, जो मैंने आपको कहा है हेप्पा घन के, वो भूख बढ़ाने के लिए होता है। 25 सीसी का हेप्पा घन का एक दिन, और दूसरे दिन भी 25 सीसी का हेप्पा घन का टीका लगा देना है। और खांसी के लिए मैंने कहा ना, आपने एक्सिनल RTU और सोलन एम वो लगाना है, वो भी वक्त जाया नहीं करना, ये दोनों कल से स्टार्ट करना है, और 2 दिन ही बेशक दे लगाने हैं। अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह ताला रहम करेगा। और जो आपने इनके कीड़ों की, या कहते हैं ना मलाप अंदर होते हैं पेट में, उनका इलाज वो जो आपने किया है, वो कभी भी कभी भी कभी भी ये चौकर में डाल के नहीं देते। वो दवाई होती है, वो कीड़ों वाली जो होती है, अब थंडर एक ले लेना, जब भी कभी करनी हुई ना इनकी डीवर्मिंग, थंडर ले लेना 50 ml, 50 ग्राम कर लो, 50 सीसी ले लो, और 50 सीसी ही, या अगर सीसी है तो वो उसमें 50 सीसी दूध में मिला के रात को इसको पिला देना है।
बस आप देखना इंशाल्लाह ताला उसकी सफाई अंदर कीड़ों मकोड़ों की है, जो मकोड़े तो नहीं, कीड़े कीड़े भी नहीं होते, वो मलाप होते हैं, मलाप कीड़े होते हैं मेरा बेटा, जिनकी 6 टांगे होती हैं। इनकी टांगे तो नहीं होती, ये जो अंदर चुमूने या टेप वर्म होते हैं, ये तो एक मलाप होते हैं, मलाप सारे खत्म हो जाएंगे। वैसे असूलन तो हम पहले गुड़ खिलाते हैं और खाली पेट इनको ये दवाई पिला देते हैं, और फिर 1 घंटा बांध देते हैं, ना पानी पिलाते हैं ना कुछ और चारा डालते हैं। रात को चूंकि बांध नहीं होती है, ना तो रात को आपने पानी पिलाना है ना रात को इसको आपने चारा आगे डालना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रात को ही थंडर पिला, बेशक पिला के आपने तो छोड़ देना उसका, आप देखेंगी कि इसके मलाप खत्म होंगे और उसको जो भी आगे खुराक दी जाएगी वो लगेगी और इसकी सेहत अच्छी होगी। और दूध के लिए भी मैं, मेरे आप प्रोग्राम्स देखेंगी इंशाल्लाह आप परेशान हो जाएंगी कि ये डॉक्टर साहब ने कितना कुछ मुझे हमें दिया हुआ है। वो 3,300 से ज्यादा तो मेरे प्रोग्राम आपको मिलेंगे जो वंडों के ऊपर ही हैं। इसी तरह मेरा बेटा बहुत सारे प्रोग्राम्स, और बहुत सारी बेटियां मुझे कॉल्स करके, या पहले मैं कॉल्स लेता था, अब मैं कॉल्स नहीं लेता, अब मैं सिर्फ वॉइस मैसेज पे आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ। ये डायरेक्ट आपको सवालों के मैसेज तो पहुंच गए, लेकिन ये बाकायदा वीडियो की सूरत में अब आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी इसकी, वो YouTube पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह वो भी। और उस पे पहले मैं लिख ही पसरूर देता हूँ, पसरूर रोड है आपका, मैं चूंकि मैं पसरूर में मेरा मैं रोजाना मौलाना यूसुफ पसरूरी को भी, जब मुझे टाइम मिलता है तो मौलाना यूसुफ पसरूरी को जरूर सुनता हूँ। ठीक है मेरा बेटू, दुआओं में याद रखना मेरा बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं अब करना, अब मैं हूं ना इधर, जो मसला हो मुझे बता देना है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका हल बताऊंगा और किस तरह आपने करना है, ये फिक्र नहीं करना। 2 दिन मैं बता दिया, एक खांसी की भी ऐसे इलाज हो जाएगा और साथ साथ इसका जो भूख ना लगने का, भूख बढ़ जाएगी वो भी अल्लाह करेगा, और स्टॉमिक पाउडर भी बना लेना है वो भी कर लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूध कैसे बढ़ाना है, वो ऐसा बढ़ेगा कि याद करेंगी। ठीक है मेरा बेटू, दुआ करना, दुआओं में याद रखना, और पूरे पसरूर को, पूरे आपका जो भी जो गांव है उसको सलाम, और सारे जहां जहां भी मेरे सुनने वाले देखने वाले प्रोग्राम देख रहे हैं, सबकी खिदमत में मेरा सलाम और दुआओं के लिए अर्ज है। फीमान अल्लाह।